गुड मॉर्निंग। और आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पर फोकस में रहेंगे। पहले बात करते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि कंपनी ने फॉरे किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में। ये उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है एन गोविंद राजन के साथ, तो वो इनकॉर्पोरेट करेंगे एक सब्सिडरी जो परस्यू करेगी है CDMO बिजनेस। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगा 285 crores एंड गोविंद राजन जी उसमें इन्वेस्ट करेंगे 15 crore रुपीज। सो फोकस में रहेगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट। सूर्यदर्शनी, क्योंकि कंपनी ने एक ऑर्डर विन किया हुआ है 96 crores का अप्रॉक्सीमेटली, स्पेशली है सप्लाइंग पाइप्स फॉर HPCL टू HPCL, तो उसके लिए सूर्य रोशनी फोकस में है। दिवगीत और ट्रांसफर्स फोकस में है, क्योंकि आज उनकी लिस्टिंग है और NSE और BSE पे आज उनका डेब्यू होने वाला है, तो ये स्टॉक भी एक फोकस में रखें। टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट मिली हुई थी नोमोरा के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी हाईलाइट्स दी। उन्होंने बोला कि अभी तो डिमांड स्ट्रॉन्ग रह रही है GLR CV और PVs के लिए, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, पर अभी थोड़ी विटनेस कर रहे हैं कि सॉफ्टनिंग हो रही है डिमांड में, स्पेशली PV बिजनेस में, क्योंकि डीलर इन्वेंटरी वहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। और Q1 FY24 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CV वॉल्यूम्स इंपैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्री बाइंग हो रही है Q4 FY23 में। लास्टली महिंद्रा CII फोकस में है, क्योंकि M&M ने अपने शेयर्स बेचे हुए हैं, 2.3 crore शेयर्स बेचे हुए हैं, और जो परचेज किए हुए शेयर्स जो उसमें है, एक नाम आया हुआ है सोसाइटी जनरल का, जिन्होंने 65 lakh shares purchase किए हुए हैं। तो M&M ने शेयर्स बेचे, उसकी वजह से महिंद्रा CII फोकस में।